हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एडवर्ब के बारे में। ये नेक्स्ट वीडियो है एडवर्ब का और इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं एडवर्ब के टाइप्स के बारे में कि कितने टाइप्स होते हैं एडवर्ब के। इसके पहले मैंने बताया था आपको कि एडवर्ब जो है मॉडिफायर्स कहा जाता है। एडवर्ब क्या होता है? वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, राइट? आइए, ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो ये टाइप्स जो होते हैं ना, कई टाइप्स होते हैं। इसमें जो मैंने कवर किया है ऐसे तो तीन इसको कहा जाएगा, एडवर्ब प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर। लेकिन एडवर्ब ऑफ टाइम में मैंने फ्रीक्वेंसी को भी ऐड कर लिया हूं, राइट? और उसके बाद से हम जानने जा रहे हैं कि इसका सेंटेंस में पोजीशन क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, राइट? सो सबसे पहले चले कि एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये बात कर रहा हूं कि ये सब केवल और केवल वर्ब को मॉडिफाई करेंगे। कौन कौन? एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, जो बताएंगे कि कोई एक्शन कहां हुआ, जगह का बताएंगे, कब हुआ, टाइम बताएंगे, कैसे हुआ वो मैनर बताएंगे, ठीक है? तो एडवर्ब ऑफ प्लेस को पता करने के लिए हम वेयर का यूज करते हैं। तो वेयर से आंसर क्या होता है? प्लेस का, पोजिशन का, और होता है डायरेक्शन का, और फिक्स प्लेस, राइट? तो हम देखते हैं कि ही वॉक्ड टुवर्ड्स मी, मतलब वह मेरी तरफ चल दिया। तो मेरी तरफ चल दिया, तो यहां पे टुवर्ड्स मी जो हो गया, ये आपका एडवर्ब हो गया, ये डायरेक्शन बता रहा है। और ये मॉडिफाई किसको कर रहा है? वॉक्ड को कर रहा है, वर्ब को कर रहा है। तो ये वर्ब कहां हो रहा है? मेरी तरफ, मतलब हो रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन बता रहा है। तो ये कैसे पता चला? ही वॉक्ड वेयर, कहां? टुवर्ड्स मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। कहां? वेयर? टू स्कूल। तो टू स्कूल भी आपका डायरेक्शन को बताता है, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। कई लोग कहते हैं कि नाउन है, नाउन तो हो ही नहीं सकता, स्कूल नाउन है लेकिन इसमें टू लगा हुआ है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाता है और ये एडवर्ब का भी काम करता है, राइट? आगे चलते हैं कि इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम। सो एडवर्ब ऑफ टाइम जो होता है, ये तीन चीज बताता है, ड्यूरेशन भी बताएगा, फ्रीक्वेंसी भी बताएगा और फिक्स टाइम भी बताएगा। तो ड्यूरेशन क्या होता है? ड्यूरेशन क्या होता है ना, स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, मतलब टाइम का एक स्ट्रेच होता है। जैसे मैं कहूं 6 बजे से 7 बजे तक, फ्रॉम 6 to 7, या 4:30 मिनट्स, या मैं कहूं सिंस टुमारो, सिंस मंडे, सिंस ट्यूजडे, सिंस 6 PM, राइट? तो ये सारे के सारे ड्यूरेशन बताएगा, क्योंकि ड्यूरेशन में हो क्या जाता है, एक शुरू होता है पॉइंट से और फिर आगे की तरफ वो खींचता हुआ चला जाता है, एक पॉइंट नहीं रहता, राइट? तो ये हमारा ड्यूरेशन हो गया। अब उसके बाद से फ्रीक्वेंसी आता है। तो ड्यूरेशन के लिए हम यहां देख सकते हैं, आई मीट हर ब्रीफली, अगर हम यहां तक को ले तो क्या होगा? सो ब्रीफली कहने का मतलब होता है फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ देर के लिए। तो मैं उससे मिलता हूं कुछ देर के लिए उससे मिलता हूं। तो ये ब्रीफली जो है, ड्यूरेशन कैसे हमें समझ में आएगा, क्या क्वेश्चन पूछे? तो इसके लिए हो जाएगा कितने देर के लिए, राइट? कितने देर के लिए मिलता हूं, आई मीट हर ब्रीफली, मतलब थोड़े देर के लिए, राइट? तो ये ड्यूरेशन का आपका हो गया, ये ड्यूरेशन बता रहा है, राइट? नेक्स्ट हम चलते हैं कि फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है कि किसी भी चीज को कितनी बार रिपीट किया गया, मतलब इसका हम आंसर पाने के लिए हम कहेंगे कि हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार कोई एक्शन हुआ। अब इसको समझना है तो आप ये कह सकते हैं, अच्छा ये बताइए किसी बस की फ्रीक्वेंसी कितनी है, मतलब कोई बस कितनी बार आती है। जैसे यहाँ पे दिल्ली में आपके उसके हिसाब से है, नंबर दिया हुआ है 309 411, इस प्रकार से बस का नंबर होता है। तो कहते हैं कि अरे भाई 309 या 411 या 400, अगर मैं एक कहूं कि 400 की फ्रीक्वेंसी मतलब काफी हाई है, कहने का मतलब कि काफी, मतलब हाई कहने का मतलब या तो 2-2 मिनट पे है या 5-5 मिनट पे है, इसका मतलब हाई है। और सबसे मतलब फ्रीक्वेंसी लो है, मतलब कि 1 घंटा 2 घंटा जो भी है। तो किसी का पूछते हैं ना कि 311 का फ्रीक्वेंसी कितना है, 5-5 मिनट का है वो, मतलब एवरी 5 मिनट के बाद में वो रिपीट होती है, मतलब बस आती है, राइट? तो यहां पे फ्रीक्वेंसी पता करने के लिए हम क्या कहेंगे, कितनी बार कोई एक्शन हुआ, ठीक है? तो आप पूछें कितनी बार, तो एवरी वीक, हर एक सप्ताह। तो यहां पे ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है,
राइट। अब आगे चलते हैं फिक्स टाइम। फिक्स टाइम होता है 6 बज गया, 7 बज गया, समर में मंडे को, जनवरी में, फेब्रुवरी 1980, ये फिक्स बता रहा है। तो कब? इन समर्स। तो ये हमारा फिक्स्ड हो गया। अब फिक्स पूछने के लिए, आंसर पाने के लिए आपको वेन पूछना पड़ेगा। वेन, कब? तो इन समर्स, ये चीज आपका होता है। अब आप कहेंगे कि ये बताइए, तीन तीन हमने देखा, तो इसका पोजीशन क्या होता है और इसका ऑर्डर क्या होता है? पोजीशन क्या होगा? आपने देखा एडवर्ब टाइम का खास करके लास्ट में होता है, लेकिन कई बार इसको शुरू में भी कर दिया जाता है फोकस में रखने के लिए। अगर मैं कहूं कि आई विल मीट यू टुमारो, आई विल मीट यू टुमारो या आई शैल मीट यू टुमारो, तो वहां पे टुमारो क्या हुआ? लास्ट में आया। तो खास करके जो टाइम होता है वो लास्ट में आता है। दूसरी चीज सोचने वाली ये है कि अगर हमें फोकस में रखना है उसकी तरफ, मतलब कि हम कह सकते हैं टुमारो आई शैल मीट, टुमारो आई शैल मीट, तो हम यहाँ पे टुमारो शुरू में करने का मतलब ये हुआ कि हम उसको फोकस में रख रहे हैं, राइट? मतलब हम हाईलाइट करना चाहते हैं कि टुमारो मैं मिलूंगा, टुमारो, राइट? ये चीज हुआ। ऐसे जनरली में ये आपका लास्ट में यूज किया जाता है। अगर मान लीजिए कि ड्यूरेशन भी है, फ्रीक्वेंसी भी है और फिक्स टाइम एक ही में है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? तो सबसे पहले ड्यूरेशन, उसके बाद से फ्रीक्वेंसी आएगा और उसके बाद से फिक्स टाइम आएगा, जिसको मैंने कहा है यहाँ पे डी फ्री फिक्स। क्या बोलते हैं इसको? डी फ्री फिक्स। डी फ्री फिक्स का मतलब होता है कि ड्यूरेशन, फ्री से फ्रीक्वेंसी और फिक्स से फिक्स टाइम। तो ये आपको याद रखना होगा, राइट? तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, दैट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड। डी फ्री फिक्स, एफ आर ई एंड देन एफ आई एक्स। अब हम आगे चलते हैं कि अगर टाइम में, मान लीजिए टाइम ही है, फिक्स टाइम है, राइट? उसमें कई आ गए, क्योंकि फिक्स टाइम में तो क्लॉक टाइम भी आ जाएगा, मंथ के नेम भी आ जाएंगे, आपके ईयर का भी आ जाएगा, आपके डेज के नाम भी आ जाएंगे, तो ये सारे आ जाए तो कौन सा पहले लिखें? तो ये हमें लिखना है हायरार्कियल ऑर्डर, मतलब सबसे पहले छोटे वाले को, उसके बाद से उससे बड़े वाले को, उसके बाद से उसके बड़े वाले को, मतलब बड़े वाले को सबसे लास्ट में। यहां पे देखते हैं, आई मेट हर एट 6 इन द मॉर्निंग ऑन मंडे। सो यहां पे आई मेट हर, कब मिला? एट 6। कब मिला? इन द मॉर्निंग। कब मिला? ऑन मंडे। तो तीनों के तीनों फिक्स टाइम को बता रहे हैं। तो सबसे पहले क्लॉक टाइम छोटा है, उससे बड़ा क्या है? मॉर्निंग है, उससे बड़ा क्या है? मंडे है। मंडे लास्ट में लिखा गया, क्योंकि मंडे के अंदर ही, क्योंकि मंडे 24 आवर्स का होगा ही होगा, एक डे है। तो अब उस 24 आवर्स में हम जानते हैं कि मॉर्निंग जो है एक पार्ट है उसका, कई पार्ट होते हैं ना डे में, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, ठीक है? नाइट तो स्टार्ट होता है, नाइट मतलब दूसरे आपके पार्ट में। अब एट 6 जो है ना, एट 6 वो मॉर्निंग का पार्ट है, वो मॉर्निंग का पार्ट है, मतलब 12 बजे के पहले तक को, राइट? तो ये सबसे छोटा हो गया। तो ये हायरार्कियल ऑर्डर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, ओके, दोनों मैंने बता दिया, आई होप कि आप दोनों समझ गए होंगे। एक चीज और इसमें समझा दूं फ्रीक्वेंसी के बारे में। जब हम फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग जाता है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, हाई, लो, जीरो या बीच का, कैसे है? तो मैंने यहां पे रेट में लिखा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी बताने के, मतलब दो प्रकार के फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। एक तो डेफिनेट हो जाएगा, मतलब जो जानते हैं कि एक बार कोई काम हुआ, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, फोर टाइम्स, फाइव टाइम्स, हम जानते हैं पूरा, ये है डेफिनेट है कि 4 बार ही, 5 बार ही, 6 बार ही, तो उसको कहते हैं 6 बार, 6 टाइम्स, राइट? तो ये फ्रीक्वेंसी को बताता है जो कि डेफिनेट बताता है, राइट? पूरा पूरा इससे पता चल जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी को ले ले तो ये देखेंगे, मैंने लिखा हुआ ऑलवेज, मतलब लगभग जाता ही जाता हूं कहीं, आई ऑलवेज गो देयर, मतलब कि मैं वहां लगभग हमेशा जाता, मतलब हमेशा जाता हूं, लगभग नहीं, मैं हमेशा जाता हूं। तो ये आपका, या आई गो देयर, राइट? आई ऑलवेज गो देयर, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ऑलवेज हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है, ओके? अब जनरली भी हो गया, जनरली यूजली ये हाई फ्रीक्वेंसी में आते हैं, frequently, often और regularly ये भी high frequency में आते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा कम होता है। ये तीनों एक दूसरे की synonym है, मतलब तीनों का मतलब लगभग एक ही है, जिसका मतलब होता है प्रायः, मतलब लगभग जाते रहते हैं, ठीक है? लगभग जाते रहते हैं, इसका मतलब होगा। लेकिन वही often में very often लगा दिए, इससे ज्यादा frequency high हो गया,
राइट, सबसे लो वाले में कहें, लो क्या जीरो कहें, तो जीरो वाले में हो जाता है स्केसली, रेयरली, हार्डली, नेवर, सेल्डम, नेवर, सेल्डम। तो स्केसली मतलब होता है कि लगभग ना, ऑलमोस्ट नॉट। तो स्केसली, रेयरली, हार्डली इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट, नहीं के बराबर। और नेवर और सेल्डम ये जो होता है ना जीरो फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब कोई रिपीट नहीं होता कहीं। जैसे आई रेयरली गो देयर, इसका मतलब कि मैं वहां जाता ही नहीं हूं, राइट। समटाइम्स लो फ्रीक्वेंसी में आता है, कभी कभी जाता हूं, राइट। तो ये आपके फ्रीक्वेंसी हो गया जो कि आपको याद रखना है जब भी फ्रीक्वेंसी की बात है। देन आपको एक माइंड में रखना है कि फ्रीक्वेंसी हाई है, लो है, जीरो है, कैसा है, राइट। ये चीज है। अब हम आगे चलते हैं आगे वाले पोजिशन के बारे में, कि अगर मान लीजिए ये मैनर भी, ओके मैनर अभी बच रहा है, राइट। सो मैनर क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर, इसका आंसर अगर आपको पता करना है, आइडेंटिफाई करना है, देन यू हैव टू आस्क अ क्वेश्चन, राइट, विथ हाउ, कैसे। जैसे ही टॉक्स लाउडली, कैसे बोलता है वो, राइट, लाउडली बोलता है वो, जोर से बोलता है। तो लाउडली क्या है, टॉक्स के मतलब ये बताता है किसी एक्शन के तरीके को, कि कैसे कोई तरीका, मतलब कैसे कोई एक्शन होता है। तो यहां पे लाउडली जो है मैनर हो गया। ही ऑलवेज गोज देयर, ये तो आपका ऑलवेज किसका हो गया, ये आपके फ्रीक्वेंसी का हो गया, यहां पे गलती से लिखा गया है, राइट। तो मैं इसको इसमें रख दूं बॉक्स में। यू हैव, ओके ये भी आपका है। तो ही टॉक्स लाउडली, अगर मैं कहूं द फैन रन्स फास्ट, कैसे चलता है पंखा फास्ट, तो फास्ट क्या हो जाएगा, ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। एडवर्ब में कैसे हो जाएगा, मैनर हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो आंसर हुआ है हाउ से निकला है, ठीक है। आई होप कि समझ गए होंगे। और मैनर का पोजीशन कहां होता है सेंटेंस में, ये होता है आपके वर्ब के लास्ट में, मतलब वर्ब के बाद में, वर्ब के बाद में होता है। लेकिन वर्ब के बाद में मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट आ जाए, जैसे मैं यहां पर लिखूं ही टॉक्स टू मी, राइट, मी आ गया, तो जो लाउडली होगा ना ऑब्जेक्ट के बाद आ जाता है, ही टॉक्स टू मी लाउडली। तो हमेशा ध्यान रखिए कभी भी एडवर्ब का यूज वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं आता है, और इसीलिए यहां पे जो ऑब्जेक्ट आया ही टॉक्स टू मी लाउडली ऑब्जेक्ट के बाद में आया है, ये ध्यान रखना है, ही टॉक्स टू मी लाउडली, राइट। आई होप कि समझ में आ गया होगा। यहां पे कुछ और है जो कि फ्रीक्वेंसी का पोजीशन क्या होता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। यहां पे हमने टाइम का जान लिया कि वर्ब के बाद में आता है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होता है उसके कई पोजीशन होते हैं जो कि जानते हैं। एक पोजीशन होता है कि मेन वर्ब जब आता है उसके पहले होता है, ही ऑलवेज गोज देयर, तो यहां पे केवल अगर मेन वर्ब है तो उसके जस्ट पहले आ जाता है, जनरली बता रहा हूं। दूसरा है कि नेवर है, तो ये क्या होता है, हैव और सेटिस्फाइड के बीच में आया है, मतलब अगर हेल्पिंग वर्ब भी रहे, मेन वर्ब भी रहे, तो उसके बीच में आ जाता है। दूसरा है मोहन इज ऑलवेज लेट, मतलब अगर केवल हेल्पिंग वर्ब रहे जो मेन वर्ब की तरह काम करता है तो उसके जस्ट बाद यूज किया जाता है। तो ये तो इसके रहे पोजिशन, राइट, आपको ध्यान रखना है। अब पोजिशन ध्यान कैसे रख सकते हैं, रूल्स आपको केवल सेंटेंस माइंड में रखना है, ओके, पैटर्न ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाएगा और उससे आप रूल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब आगे हम चलते हैं कि अगर ये तीनों आ गया, प्लेस, टाइम एंड मैनर, तो आपका मतलब किसको पहले लिखेंगे, किसको बाद में लिखेंगे। तो एक है एमपीटी, एम से हो गया, याद करने का तरीका बता दूं, ऐसे एम से तो मैनर हो गया, पी से प्लेस हो गया, टी से टाइम हो गया। लेकिन अगर आप याद करना चाहते हैं तो एम से मदर यानी मम्मी, पी से पापा और टी से टीचर, क्योंकि मम्मी से ज्यादा पहले पहला कंटेक्ट होता है, उसके बाद से पापा से, उसके बाद से टीचर से, तो ऐसे आप ले सकते हैं। तो एमपीटी आप देख सकते हैं, एक सेंटेंस है कि शी sang ब्यूटिफुली इन द कॉलेज ऑडिटोरियम लास्ट नाइट, तो sang गाए, कैसे, ब्यूटिफुली, तो यहां पे आपका मैनर हो गया, राइट। जैसे बताया एम, कहां, प्लेस, इन द कॉलेज ऑडिटोरियम, इन द कॉलेज ऑडिटोरियम, तो ये हो गया प्लेस। और कब, टाइम, कब, लास्ट नाइट, तो ये आपका हो गया टाइम। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि पहले मैनर, तब प्लेस, फिर टाइम। अगर मान लीजिए टाइम में भी ये तीनों आ जाए तो फिर वहां पे ये लागू कर सकते हैं, डी, फ्री, फिक्स, ठीक है। तो ये आपका आगे की तरफ चल देगा, ठीक है।
आप दोनों को मर्ज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब हम एक देखते हैं, एक एक्सेप्शन भी है इसका, कि अगर कोई, क्योंकि ये जो है ना, ये वाला जो वर्ब है जिसको मॉडिफाई कर रहा है ये तीनों, ये जो है मूवमेंट वाला वर्ड नहीं है, वैसे ये है मूवमेंट वाला वर्ड, सॉरी ये वर्ब्स ऑफ मूवमेंट कम गो अराइव एंटर, अगर ये रहता है, ये मूवमेंट वाले वर्ड रहते हैं कम गो अराइव एंड एंटर, तो इस मूवमेंट वाले वर्ड में जो सीक्वेंस होगा इसके बाद से, वह पहले प्लेस आ जाएगा तब मैनर आएगा, मतलब यहां पे एमपी वाला सीक्वेंस चेंज हो जाता है। जैसे ही एंटर द रूम साइलेंटली, एंटर कहां एंटर किया, रूम, तो यहां पे ये प्लेस हो गया, पहले प्लेस आ गया, और कैसे साइलेंटली, यहां पे मैनर आ गया। आगे है शी केम हियर सीक्रेटली, तो केम आने का काम हुआ कैसे, यहां कहां, यहां तो पहले प्लेस है, और कैसे सीक्रेटली, तो यहां पे मैनर है। तो बहुत टफ नहीं है, काफी इजी है, ओनली यू हैव टू कीप इन योर माइंड दीज थिंग्स, राइट। इसीलिए मैंने कई सेंटेंसेस आपको दिए हुए हैं ताकि आप लोगों को एक कंसेप्ट बिल्डअप है, बहुत सारे किताबों में तो दिए होते हैं लेकिन ये जरूरी है कि ये आपके माइंड में रहना चाहिए, राइट। आई थिंक मैंने सारे बता दिए हैं, राइट। अगले वीडियो में एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है, और दोनों, चूंकि इंट्रोगेटिव और रिलेटिव एडवर्ब दोनों सेम होते हैं, राइट, लेकिन उनका फंक्शन जो है सेंटेंस में अलग अलग होता है, और इसी कारण से वो अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं, राइट। तो उसका हम सही तरीके से पहचान करना सीखेंगे और उसका पोजीशन भी सीखेंगे, और हम ये भी जानेंगे कि एडवर्ब कंजंक्शन की तरह भी काम करता है, और कैसे करता है ये हम लोग करके देखेंगे। सो थैंक यू सो मच।